जयपुर के विधायकपुरी थाना इलाके में जालसाजी से प्रॉपर्टी बेचने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित ने जयपुर पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में विधायकपुरी थाने में पीड़ित की ओर से 2 साल पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। विधायकपुरी थाने में सूरजपोल निवासी फरजाना पत्नी अकील अहमद ने साल 2022 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। चमेली मार्केट में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। खरीदी गई प्रॉपर्टी का पट्टा और डॉक्यूमेंट भी उनके नाम पर था। आरोप है कि आरोपित पड़ोसी ने जालसाजी कर उनकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचान कर दिया। विधायकपुरी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी गई। पीड़ित अकील अहमद ने रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनकी दर्ज FIR पर पुलिस ने आरोपित और उसके साथियों को दोषी माना है। जुर्म प्रमाणित होने के बाद भी अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित का आरोप है कि विवाद को लेकर आरोपित की तरफ से उसे लगातार धमकाया जा रहा है। पुलिस अफसरों से पीड़ित ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस अफसरों ने मामले की जांच SOG को करने के आदेश दिए हैं और SOG की ओर से अब इस मामले की जांच की जा रही है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है। सर, मेरी एक प्रॉपर्टी MI रोड पर चमेली मार्केट में है, 634 गज की, 3 भाइयों की थी, 53 साल के मालिक थे वो। 53 साल के मालिकों के बाद मैंने उन तीनों भाइयों से खरीदी चेक के जरिए। खरीदने के बाद 2021 में मैंने पट्टा लिया, 2022 में 634 गज का। पट्टे के बाद मैंने 634 गज की परमिशन लेके बना दी थी। अब वहाँ पर एक सनी ग्रुप का मालिक है अखलाक, उसका बेटा सनी, ये दोनों भू माफिया हैं। ये डालता धमकाता अखलाक मुझे कहता है कि जिससे तूने प्रॉपर्टी ली है उससे मैंने एक भाई से खरीदी थी, तो उसके पेपर मैंने की कहाँ है तेरे पास, और वो कहता है कि मैंने तो खरीदी थी, या तो तू ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे, जितना चाहे पैसा ले ले, और 2 करोड़ या तो मुझे दे तू। तो मैंने मना करा, ये मुझे डराता धमकाता है। मेरी मिसेज ने इसकी रिपोर्ट लिखाई विधायकपुरी में, जिसमें 2022 में पुलिस ने उसमें तफ्तीश करी, तफ्तीश करके पुलिस ने उस पर जुर्म प्रमाणित कर दिया 420/6/67/68/120B। ये भाग दौड़ करके ये हाईकोर्ट पहुँच गया जमानत कराने, वहाँ इसकी जमानत अभी तक नहीं हुई हाईकोर्ट में। फिर कमिश्नर साहब ने इसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर कर दिए चालान के, और वो थाने भेज दी फाइल चालान की। तो थाने ने 41 का नोटिस दिया गिरफ्तार करने से पहले, तो ये घर से फरार हो गया। इसके घर पर पुलिस ही पुलिस हो गई। फिर साहब ये जाके, और अब जब से अभी तक फरार चल रहा है, मुझसे 2 करोड़ मांग रहा है, और गुंडों के जरिए डराता धमकाता है, और मुझे कहता है तू जान से मार दूंगा या तो 2 करोड़ तुम मुझे दो। अभी हाल ही में आपको धमकी दी गई? इसके गुर्गे बैठे थे वहाँ पे चमेली मार्केट में, वो डराते धमकाते हैं, जिनकी भी रिपोर्ट मैंने परिवाद मैंने विधायकपुरी में दे दिया अभी महीने भर पहले। कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई, उनकी CD बना के भी दे दी मैंने विधायकपुरी थाने में। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। फिर इनने क्या करा, जब चालान की जब ऑर्डर हो गए कमिश्नर साहब ने, तो DG साहब ने उस फाइल को अपने पास बुलवा ली फरवरी में 2024 में, और कमिश्नर साहब ने बुला के हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में हमने कहा हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, ये गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो कोर्ट ने ऑर्डर करे DG साहब के, साहब इस फाइल मेरे चालान में हो गया तो मेरी टेबल पर क्यों नहीं आई? तो कमिश्नर DG साहब ने बोला, उसको SOG भेज दी कि साहब हम सत्यापन करा रहे हैं। तो ये SOG में जाने की फाइलिंग थी जो जुर्म बनवानी है। आप इस मामले सारे गिरफ्तार हो, ये फरार चल रहा, भागा चल रहा मुलिया में, ये